दत्त साहब से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से इस दीप को प्रज्वलित करें। आशा पारिक जी, नाना चुड़ासमा, हमारे भूतपूर्व शेरिफ और मुंबई के प्रिय सिटीजन, सभी आदरणीय मेहमानों से गुजारिश है कि वो अपने हाथों से इस दीप की लौ को प्रज्वलित करें। सबका योगदान होगा तो इसकी लौ की रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय मेहमानों से अनुरोध है कि वे अब अपनी जगह ग्रहण कर लें। पुरस्कार वितरण समारोह में आपने अब तक माननीय कल्याण जी, तो आइए बढ़ चलते हैं इस ऑफिशियल प्रोग्राम की ओर। लेकिन अवार्ड वितरण से पहले एक छोटी सी पहचान इस संस्थान के साथ, यानी कि सहयोग फाउंडेशन क्या है, क्यों है, उसके बारे में चंद अल्फाज। सहयोग फाउंडेशन एक बहुत ही डायनामिक और महत्वपूर्ण सोशियो कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा एजुकेशनल संस्थान है जिसका बस एक ही मकसद, एक ही ध्येय है कि किन्हीं तरीकों से समाज के उत्थान और विकास को बढ़ाया जाए और उसे प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा सहयोग कला व संस्कृति और राष्ट्रीय समन्वय, नेशनल इंटीग्रेशन को भी बहुत अहमियत देती है। गरीब व प्रताड़ित लोगों की मदद करना, सामाजिक कुरीतियों और बुरी प्रथाओं को दूर निकालना, जैसे कि ड्रग अब्यूज, डाउरी सिस्टम, इनको, इन सबको निकालने का बीड़ा सहयोग ने अपने ऊपर उठा लिया। सिलेक्शन करते हैं, जहां अवार्ड्स के रूप में एक ट्रॉफी दी जाती है, वहां जहां जहां आवश्यकता समझी जाती है वहां पर धन राशि से भी पारितोषिक विजेता को सम्मानित किया जाता है। एग्जीबिशंस का भी आयोजन करते हैं, साथ में 75,000 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है। मेडिकल के क्षेत्र में और एजुकेशनल हेल्थ के रूप में ये दो रसाले छपते हैं, सहयोग टाइम्स इंटरनेशनल इंग्लिश में, और साथ में यही रसाला सिंधी भाषा में भी छपता है। यदि कुछ ही शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सहयोग फाउंडेशन उन सपनों का संसार है जो हमारे संपूर्ण समाज पति और समाज सेवक श्री राम चावरानी जी ने, जिन्होंने अपने जिगरी दोस्त और पार्टनर श्री चंदर मगनानी के साथ 1990 में इस संस्था की स्थापना की थी। तो आइए अब बढ़ चलते हैं अगले कार्य, अपने अवार्ड्स प्रेजेंटेशन कार्यक्रम की ओर। और इससे पहले दोस्तों, छोटी सी थोड़ी सी बातें कर लें उस शख्सियत के बारे में जिनकी कोशिशों का नतीजा है आज की ये खूबसूरत शाम। एक ऐसा इंसान जिसे अ सिंबल ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी, तालियों की गड़गड़ाहट से राम भाई का स्वागत करें। और इन तालियों के साथ ही मैं श्री राम झारानी जी से निवेदन करूंगी कि यहाँ माइक पर आके आप सबका विधिवत स्वागत करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री राम झारानी। सहयोग परिवार के तरफ से श्री चंदर मंगनानी नाना चुड़ासमा साहब का फूलों से स्वागत करेंगे। हमारी बहन आशा पारिक जी का फूलों से स्वागत करेंगे मिस्टर चंदर मंगनानी। इस फिर मूर्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। काफी क्षेत्रों में ऐसे कई इंसान हैं जो अपनी जिंदगियां लगा देते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपनी कौम, अपनी जाति के लिए सेवा में, और इसी कि वो आपके सामने तशरीफ ले आए और चंदर मगनानी जी अपने हाथों से उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। आइए
अब हम सब मिलकर जो चाहते हैं उस मैसूर में जन्मे श्री नारायण दत्त जी ने हिंदी संस्कृत में विद्या प्राप्त की और विद्यालंकार की डिग्री पाई और बाद में हिंदी जर्नलिज्म के क्षेत्र में विद्या पाई। श्री राम झापानी जी 11,000 रुपए का चेक भी इन्हें दे रहे हैं इनाम स्वरूप। नरेंद्र जी अपने समय पर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, खादी कमीशन और भारतीय विद्या भवन तथा नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में काम करते रहे और हर जगह इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और अपनी कोशिशों के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से आपको नवाजा गया है। तो लीजिए आपके सामने तशरीफ ले आए हैं श्री वसंत सांखे, जोर से तालियों की गड़गड़ाहट करना चाहते लीजिए उनको स्वागत कीजिए। ये ट्रॉफी दत्त साहब के शुभ कर कमलों से श्री वसंत सांखे जी को और 11,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन राशि। श्री बग्गा के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि अपने आप में एक अनोखे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने कानों से सुनाई न देते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदान में खूब ख्याति प्राप्त की है। 1993 में आप इंडिया नंबर 1 रैंक में पहुंच गए थे बैडमिंटन में और 1994 में आपने नेशनल गेम्स में श्री राम झावानी के साथ मिलकर डॉक्टर मोहंती को पेश करें। डॉक्टर महंती ने तपेदी की दुनिया में इतना उल्लेखनीय काम किया है कि हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैदान में आपको सम्मानित किया गया है। यदि हम उनके ओहदों और अवार्ड्स की लिस्ट तैयार करना चाहें तो एक अरसा लग जाएगा। इतना ही कहना मुनासिब है कि डॉक्टर महंती को सम्मानित करते हुए सहयोग फाउंडेशन आपको सम्मानित अवार्ड डॉक्टर गोपाल कोठारी को भेज दें। गोपा कोठारी खासतौर पर झोपड़पट्टी वासियों के लिए काम करती हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन है माता व शिशु के स्वास्थ्य के लिए संगठित कार्यक्रम अपनाना। इस फील्ड में आपने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है और बच्चों के लिए बालवाणी और ग्राम झारानी के साथ मिलकर ये ट्रॉफी श्री शेषाद्री जी को भेंट दें। श्री शेषाद्री इज वन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ श्री कृष्ण गण सभा विच हैज 1,000 मेंबर्स। He is also one of the founders of Sri Shanmukhanand Fine Arts Sangeet Sabha, one of the main architects of the world-renowned Shanmukhanand Hall, which has served for 25 years, undertaken the Herculean task of rebuilding the hall at the cost of rupees 11 crores. We hope, Mr. Sheshadri, that you definitely find success in your effort. Many congratulations. Aapko Maharashtra Sarkar ne Special Executive Sri चमत्कार बाथवानी जी से है इस संस्था की ओर से यहाँ पर और हम उन्हें बहुत बहुत मुबारक देते हैं और ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो संस्था है वो हमें इस इनाम से सम्मानित करें। He has participated in many research projects, writing on various related issues in different newspapers, magazines and journals. He has written many books in Marathi also to bring health awareness. कितने भी पब्लिकेशंस और पेपर्स प्रस्तुत किए हैं और अपने क्षेत्र के ये बहुत ही जाने माने और अग्रणी डॉक्टर हैं। इन्होंने बहुत सी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को विभिन्न वर्कशॉप्स के लिए बुलाया है, खासतौर पर एंजियोप्लास्टी जो कि आजकल हार्ट डिजीज को ट्रीट करने का क्षेत्र है उसके बारे में। लेकिन ये है अमिताभ बच्चन की आवाज़। आज तक आप लोग जो भी समझते होंगे कि बच्चन जी खुद अपने आप गा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आवाज़ सुदेश भोंसले जी की होती है जो कि बिल्कुल सरासर फिट बैठती है। एक ज़माने में मुझे याद है कुछ लंबा रानी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने हाथों से सुदेश जी को इस अवार्ड से सम्मानित करें। बहुत ही मीठी शख्सियत है, जितनी भी सरगम। ये भी एक लिटिल वंडर है, जब छोटी सी थी तो कल्याण जी भाई के लिटिल वंडर्स में ये भी योगदान देती थी, आज एक बिग वंडर बन गई है और बहुत ही मीठी मधुर इंसान है। आप देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट, बहुत ही खूबसूरत। साधना जी बहुत बहुत मुबारक।
वे अपनी किस्मत आजमाते हुए सोनू निगम आपके सामने आ रहे हैं। ये अवार्ड उन्हें नाना चुड़ासमा और राम झावरानी देंगे। आप सबके बहुत ही प्रिय कलाकार हैं सोनू। जब मैंने पहली बार सारेगामा का शो देखा था और इतने हम्बल तरीके से इन्होंने उसे कंपेयर किया था, तो मुझे मालूम था कि ये वो इंसान है जो ज़रूर छा जाएगा। और मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी बंद हो और आप सोनू की आवाज़ सुने, तो सोनू इस मौके पर चंद शब्द कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं अभी एंटर किया था मैंने और सही टाइम पर, जैसे कहते हैं एकदम सही समय पर आया हूँ। धन्यवाद सहयोग के लिए, धन्यवाद। और नथिंग एल्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। मुझे अवार्ड मिलते बड़ी खुशी होती है। थैंक यू। अगर आपका अवार्ड लेकर बहुत खुशी होती है तो हमें उम्मीद है 1000 रुपये के चेक से सम्मानित करें। ये डेली जो न्यूज़पेपर है इवनिंग का, उसके भी नहीं इवनिंग का नहीं न्यूज़पेपर है डेली है, उसके चीफ फोटोग्राफर रहे हैं और बहुत सारी इन्होंने फ्रीलांस असाइनमेंट्स भी किए हैं। नंबर ऑफ पब्लिक पब्लिकेशंस भी इन्होंने लिखी हैं, एग्जीबिशंस भी करते हैं, वन मैन शोज भी करते हैं और ही हैज़ बीन हाईली अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग हैंड फॉर मी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। अपने फादर के जैसे इन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिया, हैदराबाद से इन्हें जन्मे और पढ़ाई खत्म की पुणे के फर्गुसन कॉलेज में। पार्टीशन के बाद आपने हिंदुस्तान टाइम्स में सब एडिटरशिप हासिल की और हम बहुत ही अपने आप को सम्मानित मानते हैं कि केआर बरकानी जी ये अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें खासतौर पर गोल्ड मेडल भी भेंट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे फाउंडेशन के मान को शान को बढ़ाते हैं। बरकानी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और ये आज तक कार्यक्रम को और इसके रिप्रेजेंटेटिव में और काफी सैटिस्फाइंग कार्यक्रम है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव जी आप ही आ गए हैं। इसका इंटरव्यू अगला अवार्ड जो सहयोग फाउंडेशन की ओर से दिया जा रहा है इन टाइम टीवी न्यूज को, श्री डॉक्टर के एल नंदन, डॉक्टर के एल श्री रघुनंदन जी से अनुरोध है कि वो आके अपना ये पुरस्कार ग्रहण करें, श्री सुनील दत्त जी और श्री राम झावरानी जी से। अब ये न्यूज़ टेलीविजन न्यूज़ कवरेज के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब लोग देखते हैं, आपको मालूम है कि कितनी अच्छी न्यूज़ कवरेज होती है जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से बेधड़क न्यूज़ कवरेज ही हमेशा करते चले जाएंगे, उस जमाने को भूल जाएंगे जब हम लोग सरकार के दबाव में आकर अपनी न्यूज़ पढ़ा करते थे। अगला गुजारिश करूँगी कि अपने हाथों से ये पारितोषिक अवार्ड को स्वीकार करके इस अवार्ड का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनमें से एक है श्री प्रभाकर पंचकर जी। और अगला अवार्ड उस शख्सियत को जिसने 25 साल से आप लोग एक अरसे से तबस्सुम जी आप सबको खूब एंटरटेन करती आई हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, उस गुलशन का सबसे बड़ा फूल, सबसे महकदार फूल खुद तबस्सुम जी की और हमेशा रहेंगी। तबस्सुम जी, हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने करियर के 25 टेलीविजन करियर के 25 साल और बाकी करियर के 50 साल पूरे कर लिए हैं। आगे बताती हूँ। अच्छा, इस तरह से मत कहिए कि मैं घर के बाहर जाऊँ। मैं आशा पारिक जी से और राम झावरानी जी से गुजारिश करूँगी कि अपने हाथों से इस पुरस्कार को तबस्सुम जी।
लिए हम क्या कहें। तबस्सुम जी, आप कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगी या इस अवार्ड के बारे में? आइए कह दीजिए। सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके बाद सहयोग फाउंडेशन और उसके कार्यकर्ता श्री राम जवाहरानी जी का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि ये मेरे छोटे भाई हैं इसलिए अवार्ड मुझे दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में जब से टेलीविजन आया है किसी की सिल्वर जुबली नहीं हुई, और टेलीविजन की छोटी स्क्रीन पे मैंने अपने जिंदगी के 25 साल पूरे किए। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अब जब भी किसी की सिल्वर जुबली होगी टेलीविजन पे, वो 20 या 22 साल से पहले नहीं होगी, क्योंकि हम 72 से कर रहे हैं जब से मुंबई में दूरदर्शन आया। और आजकल ये जगमगाती हुई बत्तियाँ, ये रोशनियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये शानदार टेक्निकल एड्स जो हैं इतनी ज़बरदस्त, अफसोस कि जवानी में हमें नसीब नहीं हुई। बहरहाल आपको ये बताते हुए और खुशी महसूस होती है, जैसा कि हमारी प्यारी सरिता जी ने पूछा, मुझे 50 साल फिल्मों में भी हो चुके हैं। सन 46 से लेकर आज तक, आज केवल के 50 से ज़्यादा मेरा ख्याल है 52 या 53 साल हो गए हैं, मेरा हीरो वहाँ पे बैठा हुआ है जो एक फिल्म में मेरे साथ हीरो था, द ग्रेट सुभाष भाई। लेकिन सुभाष जी उस पिक्चर का जिक्र करते हुए थोड़े से घबराते हैं और शर्माते हैं और इल्ज़ाम मुझे देते हैं कि तू मेरी हीरोइन थी इसलिए वो पिक्चर नहीं बनी। इसके साथ साथ ये बताते हुए कि भाई और बहनों, बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि 50 साल मुझे रेडियो पे भी हो गए हैं। 1946 से रेडियो प्रोग्राम्स में करती चली आ रही हूँ, उसके अलावा 50 साल स्टेज पे भी हो गए हैं। 1946 से स्टेज भी कर रही हूँ, साथ ही साथ पिछले 50 सालों से साहित्य और लिटरेचर में भी मेरा अमल दखल रहा है। और ये खुशी की बात है कि 55 साल की उम्र में 4 मीडियाज पे 50-50 साल पूरे किए हैं और टेलीविजन पे 25 साल। अब मेरा ख्याल है मेरे से आप लोगों का दिल भर गया होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रिटायर होने की कोशिश करूंगी, वरना अभी भी बचपन है, दिल बचपन का, उम्र बचपन की। थैंक यू। चलते चलते महिलाओं को क्या, मर्दों को, सारे इस पूरे अर्थ पर, इस धरती पे, इस कायनात में जो भी जीव जंतु हैं, खास तौर पे इंसानों से ये गुजारिश करूंगी कि जिंदगी में हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर कर सकता है। वो क्या चीज है वो एक शेर में सुना देती हूँ। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्यार से कहा होता। जब भी बोलो, जो भी बोलो, प्यार से बोलो। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ट्रॉफी। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक तबस्सुम जी। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके साथ साथ मैंने भी टेलीविजन के 25 साल के हीरो भी देना, को भी देना चाहिए, चाहे हीरोगिरी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को बहुत। सुभाष भाई जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हीरो बनने आए थे लेकिन उन्होंने बहुत सारे हीरो और हीरोइंस बनाए, और मुझे लगता है कि बनाते चले जाएंगे। और इस वक्त मैं दत्त साहब से गुजारिश करूंगी कि अपने हाथों से सहयोग फाउंडेशन का ये अवार्ड सुभाष भाई जी को भेंट दें। राम झावरानी जी से अनुरोध है कि वो उनका साथ दें। दत्त साहब, अपने मुबारक हाथों से सुभाष जी, ये तो एक ऐतिहासिक मौका है। बहुत बहुत मुबारक सुभाष भाई जी, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे आपको तो अवार्ड लेने की आदत पड़ गई होगी। अकेले पर्सन हैं जो कि मौन हिंदी सेवा करते हैं। अब ये मौन हिंदी सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी ट्रांसलेट की हैं। और योगेश लखान जी को चला रहे हैं, इस बात का अशोक अडवाणी जी को खासतौर पर फख्र है। इसके अलावा कि ये बिजनेस इंडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं
और मैं श्री राम झावरानी जी और श्री सुनीता जी से दरखास्त करूंगी कि अपने हाथों से ये अवार्ड श्री अशोक अडवाणी जी को पेश करें। श्री अशोक अडवाणी जी को एजुकेशन की सेवा करना विरासत में मिला है क्योंकि इंस्पति हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं। इन्होंने 18 साल की उम्र में अपना काम शुरू किया था, लेकिन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हार्ड वर्क से आपने अपनी किस्मत बनाई और आजमाई और 1952 में इन्होंने स्थापित किया था सुपर टेक्स्ट ग्रुप। आज ये अग्रणी ग्रुप बन गया है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं और अपनी माता और अपने पिता, जिनका नाम थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, श्रीमती दुर्गा देवी जी और श्री घनश्याम दास जी के नाम पर आपने बहुत ही समाज सेवा के कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं और इन्होंने घनश्याम दास सराफ ट्रस्ट चला रखा है जिसके नीचे बहुत ही जरूरतमंद की भाई श्री कल्याण जी भाई, लिटिल वंडर्स के कल्याण जी भाई, इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त में अपने करियर की शुरू की थी, वहाँ का म्यूजिक डायरेक्शन देके और 300 से ज्यादा फिल्मों का संगीत दिया है आपने। क्लासिकल म्यूजिक को फिल्मों के अनुरूप ढालकर से विशेष तरीके से पेश करना श्री कल्याण जी भाई का ही काम रहा है और मैं श्री सुनील दत्त जी से, श्री नाना चुड़ासमा जी से, सुश्री आशा पारिक जी से और श्री राम झावरानी जी से कहूंगी कि मिलकर ये स्पेशल अवार्ड श्री कल्याण जी भाई को दें और ये गोल्ड मेडल भी, जिसके कि ये मोर देन हकदार हैं। और लिटिल वंडर्स इन्होंने चलाए तो थोड़े से लिटिल वंडर्स भी सामने आ जाए। आइए आइए आइए, छोटे छोटे को ये देखिए महकते हुए लिटिल वंडर्स। कल्याण जी भाई के बारे में कहना चाहूंगी कि लिटिल वंडर्स की शुरुआत करके इन्होंने उन बहुत से बडिंग टैलेंट्स को प्रोत्साहन दिया है जिन्हें कि शायद फिर ऐसा मौका कभी ना मिलता। और देखिए एक एक करके बहुत सारे निकलते चले आ रहे, छोटे छोटे चूहों की तरह से। ये देखिए, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई मीठा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कोई चौड़ा, ये सबके सब। अरे बाप रे, ये भी आ गए, इनकी कमी थी मूछ लगा के। और इनका दोस्त कैसे पीछे रह जाएगा, एक टिंगू और एक पिंगू। अच्छा, लिटिल वंडर्स के द्वारा इन्होंने छोटे छोटे टैलेंट को बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। और कल्याण जी भाई एक बात में बहुत फख्र महसूस करते हैं आज कल्याण जी भाई को आपकी प्राथमिकता में बहुत खुशी है और आप विश्वास रखते हैं। ऐसा सुना जाता है कि ओशो रजनीश के आध्यात्मिक तालों के बहुत करीब हैं आप और आपने आज के प्लेबैक सिंगर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक पार्टी का अवार्ड मिल सकता है या भाजपा का मिल सकता है या कांग्रेस का मिल सकता है, मुझे राम झावरानी मैंने भाजपा और कांग्रेस दोनों का अवार्ड मिला है और आप बहुत अच्छा काम करें। मैं दस साहब से और राम भाई से अनुरोध करूँगी कि अपने हाथ के लिए अवार्ड शिवाला जी को दें। शिवाला जी के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। ये एक फेमस एक्ट्रेस है और उसके साथ ही एक महान माँ बाप शौकत आजमी और श्री कैफी आजमी जी की सुपुत्री हैं। ये अच्छी पढ़ी लिखी कलाकार हैं क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में। मुझे लगता है कि देश के और विदेश के जितने भी अवार्ड्स हो सकते थे एक अच्छी एक्ट्रेस को देने लायक, वो सभी शबाना जी ऑलरेडी ले चुकी हैं और हमें बहुत ही मान है कि इन्होंने से रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। हिंदी फिल्मों में आप लिरिसिस्ट रहे हैं और हिंदी साहित्य में आपका बहुत नाम रहा है, खासतौर पर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और भजन्स के लिए। आपने अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत की थी उस गाने के साथ, दूर हटो वो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान शुरू हुआ था जिसकी वजह से इन्हें अंडरग्राउंड भी जाना पड़ा था। फिर चल चल रे नौजवान, मेरे जैसे जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा, चल चल रे नौजवान आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वगैरह सब का सरताज गाना रहा, जिसके लिए पंडित नेहरू की आंखों, which is given to him by Sahyog Foundation, श्री मनीष गोस्वामी. इनका नाम आप हमेशा छोटे से पर्दे पर देखते रहे, लेकिन अब आपके सामने आए हैं. मनीष जी यहीं रहिए ताकि हम एक एक करके आपके बाकी टीम को भी बुलाएं. इसके साथ ही कमलजीत जी से गुजारिश है कि आए और ये अवार्ड दत्त साहब से लें. आए हैं आप लोगों ने इनको स्क्रीन पे देखा, बहुत अच्छे लगते हैं ना. लीजिए. डॉक्टर नहीं, हीरो में सूरज ठाकुर, पृथ्वी जुत्शी, अमित बहल, संगीता घोष, सिद्धांत गोस्वामी. श्री विश्वनाथ सचदेव जी से अनुरोध है कि अपने हाथों से ये अवार्ड्स दें. अमित बहल, संगीता घोष, और ये तो आ गया सारा का सारा प्रोड्यूसर और उनका क्रू. व्हाट अबाउट द कैप्टन ऑफ द शिप? द कैप्टन ऑफ द शिप इज नन अदर देन द वन एंड ओनली श्री लेक टंडन. तो लेक टंडन जी से अनुरोध है कि सबके सामने तशरीफ लाए और इतने खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सीरियल बनाने के लिए हम सब की मुबारकबाद कबूल करें और सहयोग फाउंडेशन का ये पारितोषिक भी. सिद्धार्थ गोस्वामी, मनीष जी आपका बेटे हैं और आप अपने बेटे के लिए, आपके बेटे कहाँ हैं? शूटिंग कर रहे हैं, छुट्टी में. अच्छा. सिद्धार्थ गोस्वामी का अवार्ड श्री मनीष गोस्वामी ने. Many congratulations and thank you very much for an excellent serial. Lake Tandon ji, सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आपको है कि आपने एक खूबसूरत सीरियल बनाया और सबका मनोरंजन के साथ में जानकारी भी सबको दी. Ladies and gentlemen, परिचय कि आप सबसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें. नाना चुड़ासन. हमारे बहुत ही माने हुए हमारे देश के अजीम लोग, हमारी आशा बारिक जी, हमारे सचदेव तबस्सम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ सरिता जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही मायनों में अपनी अपनी उम्र बता दी. कोई ख़ास ज़रूरत तो थी नहीं ये कहने की हमको 50 साल हो गए हैं टीवी में या 25 साल से हम ये कर रहे हैं. तो मुझे याद आता है कि हमने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो आप जानते हैं कि क्या होता है. तो कहीं जो कंपेयर था उसने मुझसे पूछ लिया कि आपकी उम्र क्या है, और वहाँ पे मंच पे बड़ी टीनेजर गर्ल्स जो हैं उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था. तो ना जाने कहाँ से मेरा दिमाग चला, यूजली मेरा दिमाग बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो मैंने फ़ौरन कह दिया कि आई एम 25+. तो आगे जो जोड़ना है आप जोड़ लीजिए. तो तबस्सम जी मेरा ख्याल है कि मैं भी जो आप बोलती हैं बातें करती हैं उसमें लगता है कि आप कोई 20 साल से ज़्यादा नहीं हैं और ना सरिता जी, तो आप वहीं रहिए तो अच्छा है. इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राम जौहरानी जी और उनका फाउंडेशन जो है सहयोग फाउंडेशन, आज मंच पे आप देख रहे हैं कि हमारे बीजेपी के नेता मलकानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं. आज मंच पे आप देख रहे हैं कि हमारी सोशल एक्टिविस्ट शबाना जी भी तशरीफ फरमा हैं. आप देख रहे हैं कि सुनील दत्त भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो भी तशरीफ रखता है. और सिर्फ पॉलिटिकल अरीना से नहीं बल्कि एजुकेशन और पत्रकारों की तरफ से, राइटर की तरफ से सब लोग इस मंच पे बैठे हुए हैं. और मुझे वो सुभाष घई का वो गाना याद आ रहा है, आई लव माई इंडिया बट आई कैन से दिस कि दिस इज माई इंडिया व्हेन आई सी योर इंडिया. एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज कि लेट इंडिया रिमेन लाइक दिस एज वी आर सीइंग टुडे विद ऑल द ब्यूटीज
and with all the claps and smiles that what we are having this evening, and with all the heat around, but still there is freshness in our hearts, and there are beautiful thinking of oneness, and that is what India is. इसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी भाई, इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मैं सालों साल से कल्याण जी भाई को जानता हूँ। जितने कलाकार इन्होंने हमारी फिल्मी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारे देश को दिया है, मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे और कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिसे दिया हूँ। और इसके साथ साथ ये लिटिल वंडर है इनका, ये अमेरिका जा रहा है, तो मैं खुद जब देख रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं बतौर कलाकार के कहाँ हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जो ये लड़के कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। तो मैं घबरा गया, मुझे लगा कि मैं एक और जन्म लूँ और कल्याण जी भाई का शागिर्द बन गया हूँ और मैं भी इनसे उसी हूँ सकती। नाना जी ने खूब कहा है कि शबाना मेरा ख्याल है कि 10-12 बार तो इस मंच में मिल चुकी हैं और 8-10-12 बार मुझे भी 2-4 मंच में मिल चुकी हैं। मैं चीफ गेस्ट होता हूँ, अवार्ड इनको मिलते हैं, पर चलो अच्छा है मुझे मौका मिलता है इनको अवार्ड देने का। मगर मुझे खुशी है इस बात की, जो हम अपनी फिल्मी दुनिया में इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि कला की दुनिया में आके जब जनता हमको एक मकाम देती है तो हम जनता के लिए, आवाम के लिए क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी फिल्में देखने वाले गरीब लोग हैं, ये सही है, और उनके लिए हम क्या करते हैं ये हम भूल जाते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो मैंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था स्लम ड्वेलर्स के लिए, उसके बाद शबाना आई, तो ये तो रेस के घोड़ों की तरह है, मुझसे ना जाने कितनी दूर आगे निकल गई, मगर मुझे खुशी है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही, क्योंकि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। और फिल्मी दुनिया में मैं ये कहूँगा हमारे सारे कलाकारों से, हमारे सारे जो फिल्म मेकर्स हैं, कि अगर जनता हमको कुछ देती है तो उसके बदले हमको भी जनता को देना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम कर सकते हैं देश के लिए। और मुझे खुशी है कि शबाना ने एक मिसाल कायम की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमेशा इस तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बतौर कलाकार के अवार्ड तो बहुत दे चुकी हैं, अब इस तरफ से अवार्ड लें तो बड़ा अच्छा है। मैं राम जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, ये सिर्फ नहीं कि ये फंक्शन ही करते हैं बल्कि जितना काम सोशल अपलिफ्ट के लिए करते हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा कि यार मेरा दिल का करता है कि मैं बम्बई को खुद अपना झाड़ू से साफ करूं, तो हमने पूरे प्रोग्राम बना लिए थे, ये झाड़ू भी खरीद लिए थे, हमने कहा हम क्यों किसी के पास जाएं, खुद ही हम झाड़ू लगाएंगे। इन्होंने कहा मैं स्टूडेंट्स को लेके आऊँगा, स्टूडेंट्स भी तैयार हो गए सब, और उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, और आप जानते हैं कि बारिशें जब शुरू होती हैं तो क्या होता है बम्बई की हालत, बारिशें शुरू हुई तो फिर कुछ और हो गया, उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आने के बाद देखा कि चलो भाई इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर देखेंगे। मगर इनको मैंने हमेशा देखा है कि जहाँ कहीं सोशल प्रॉब्लम होती है ये हमेशा आगे आगे रहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ राम जी, और आपके सारे मेम्बरान को जो सहयोग फाउंडेशन के हैं, कि यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क, एंड आई रियली कॉम्प्लीमेंट एंड रियली कांग्रेचुलेट कल्याण जी भाई एंड लिटिल वंडर एंड ऑल द अवॉर्डीज, एंड अबव ऑल एंड ऑल दीज फ्रेंड्स एंड हु आर सिटिंग इन द ऑडियंस हु हैव नाइदर गॉट द अवार्ड नॉट द फोटोग्राफ्स बट दे आर स्टिल क्लैपिंग एंड दे हैव स्टिल पेशेंस एंड दे आर वाइपिंग देयर स्वेट। आई डोंट वांट टू टेक सो मच ऑफ योर टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू।